ये 18वीं NTPC 2022 में पूछा गया। सवाल क्या है, एक वस्तु को 41-25 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी बेचा तो आपको 10% का लाभ हुआ, तो 18% लाभ प्राप्त करने उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना है। तो देखिए ध्यान रखिए कि जो वस्तु 41-25 में बेचा है वो क्या है, आपको उसमें 10% तो ऐड है और 100% अलग है, यानी 110% है। तो आप क्या कीजिए, 110% बराबर लिखिए 41-25, ठीक है। तो आपको एक पूछ रहा है 18% बराबर, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 41-25 डिवाइड बाई 110, ठीक है। अब देखिए 18% 118% निकालिए, इतना पे बेचने के लिए आपको कितना में वस्तु को बेचना है। अब देखिए ये क्या है, आपको इसको काटिए, इसको लिख सकते हैं 41-25 गुने 11 × 10 × 118, ये देखिए 11 × 11 = 33 आपको बच गया 7 × 8 = 8 11 × 7 = 77 11 × 5 = 55, इतने बार में कट गया, ठीक है। अब इसको इससे गुना कीजिए, 375 को 118 को लिख सकते हैं 120 - 2, इसको इससे गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद आएगा आपको 4 − 5 इसको इससे गुना कीजिए आपको 6 750 आएगा, ठीक है। तो इसको घटाइए 4500 में, 45000 में 750 05, देखिए आपको 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ 4 4, यहाँ ऑलरेडी नीचे 10 है, 10 को लिखना भूलिए नहीं, 10 44-25 डिवाइड बाई 10, 10 से 10 कट गया, इसके आंसर आ गया 44-25, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी,